देखिए मम्मी क्या कर रही है, खेत में आई है वीडियो बनाने के लिए, तो देखिए टिरी पकड़ रही है। हम लोग बचपन में पहले बहुत पकड़ पकड़ के खेलते थे, आज हम इसको बिना पकड़े मारेंगे नहीं। अरे मैया रे, पकड़ लो, बच गई बच गई। पकड़ ली, देखिए मैंने पकड़ लिए ड्रैगन फ्लाई। देखिए, अरे रे चिल्लाओ नहीं, तुमको मारेंगे थोड़ी हम जो है, मैं तुमको देख रहा हूँ। एक और पकड़ो मेरे लिए। क्या करोगे इसका? जैसे तुम कर रही हो वही करेंगे। फिर हम इसको छोड़ेंगे। मम्मी मत छोड़ो, उसके पूछ में डोरा बांध देते, मर जाएगी बेचारी। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम तो आ गए हैं खेत में, और आज मैं लेने वाली हूँ, देखिए यहाँ से हमारे खेत में जो है चिचिड़ा नज़र आ रहा है, तो मैं यही लेने वाली हूँ, और इसी की मैं बहुत ही मज़ेदार सी आज रेसिपी बनाने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को जो है चिचिड़ा पसंद नहीं आता है, तो दोस्तों मैं आज जिस विधि से इसे बनाने वाली हूँ, पक्का मुझे यकीन है कि आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से ये सारे चिचिड़ा तोड़ते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो चिचिड़ा है, ये जो है हमने ये बीज जो है पंजाब से ला के लगाए थे, ये पंजाब वाला चिचिड़ा है। तो अभी तो मैं चलती हूँ इसकी रेसिपी बनाने, और अभी हमने ब्लॉग बनाए हैं कि दोस्तों ये सितंबर माह शुरू हो रहा है, तो कौन कौन सी सब्जियाँ लगेंगी, और इस वक्त हम कौन कौन सी सब्जियाँ वगैरह सब लगाएं, बाकी की भी डिटेल्स आप हमारे दूसरे वीडियो चैनल में ज़रूर देखिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कर दीजिए अभी लाइक, क्योंकि पक्का बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमारे उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग जाइए और वहाँ पर देखिए, उसमें मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ और खेती बाड़ी से रिलेटिव भी चीज़ें डालती हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं और फटाफट से चिचिड़ा तोड़ते हैं, और पंजाब की चिचिड़ा मेरे यहाँ बनेगी मेरी कढ़ाई में पक्का। तो अच्छा, इसको जब नरम नरम रहता है ना, तभी इसको बनाने में मज़ा भी आता है। ये वाला हम छोड़ दिए हैं बीज के लिए, तो ये रहेगा, ये सबसे पहला फल है। तो हम लोग जब अगर किसी चीज़ का बीज रखते हैं, तो उसका सबसे पहला फल ही छोड़ देते हैं बीज के लिए। तो लो भाई, हमने इतने चिचड़े तोड़ लिए, अब चलते हैं घर। तो ये जो चिचड़ा है ना, इसके ऊपर का जो है ये पहले इसे छील के निकाल लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़ा होता है। हालांकि ये चिचड़ा अभी नरम नरम है, मैं इसको ऐसे छील ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा। देख रहे हैं, इसको छील लिए और इसको इस तरह के पीसेस में गोल गोल पहले काट ले रहे हैं। अभी इसको हम धोएंगे, तो पहले ऐसे तैयार करके रख लें। तो देखिए, इसको खूब बढ़िया से धो ले रहे हैं। अभी देखिए, इसमें से हम इसके गुदे वगैरह नहीं निकाले हैं, केवल इसको इस तरह से छील के काट के धो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम जो चिचिड़ा है, इसको ऐसे बगल से चीरा लगा के इसके अंदर का जो है गूदा थोड़ा निकाल दे रहे हैं, बड़े आराम से निकल जाता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो चलिए दोस्तों, पहले इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला में ये देखिए, ये लिए हैं हम थोड़ा सा धनिया, ये साबुत धनिया है, और इसी में डालेंगे पचफोरन। तो देखिए, ये है
पचफोरन, बहुत सारे लोग पूछते हैं पचफोरन क्या होता है, तो ये पांच मसालों का मिश्रण होता है। जैसे देखिए इसमें है सौंफ है, मेथी है, राई है, जीरा है और मंगरेल है। और इसमें जो राई पड़ता है वो होता है बनारसी राई, बहुत महीन महीन होता है। तो ये हम डाल दे रहे हैं पचफोरन एक आध मुट्ठा, इसको हम थोड़ा भून ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये मसाला हम भून लिए हैं पचफोरन वाला, तो इसे निकालते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो इसी कढ़ाई में ये देखिए ये हम थोड़ा सा मूंगफली के दाने ही भून ले रहे हैं। मूंगफली क्यों मम्मी? तो मूंगफली भून रहे हैं तो इसको भी पीस देंगे इसी मसाले के साथ, तो ये जो कलौजी का मसाला तैयार हो जाएगा तो ये अच्छा लगेगा, इसीलिए इसमें मूंगफली डालते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मसाला कम है तो चूँकि भरवा मसाले में मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा अगर केवल यही सब मसाला डाल देंगे तो ये भी नुकसान करता है। तो इसमें थोड़ा सा मूँगफली भून के डाल देंगे तो मसाले की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, स्वाद भी बढ़ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें हम ये मूँगफली भून के डालेंगे। अच्छा, अब समझ में आ गया ना? हाँ। तो ये मूँगफली जो है भून गया है, तो हम कढ़ाई उतार दिए हैं। तो चूँकि हमें इसको भी पीसना है, पीस के जब मसाले तैयार कर लेंगे तो उसमें भरेंगे तो कढ़ाई उतार दे रहे, नहीं कढ़ाई हमारी जल जाएगी। तो चलिए इस सबको ठंडा करके पहले मसाला को पीस लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए मसाला हम पीस लिए हैं, तो ये हमने जो भुने थे वो मसाला है और ये मूँगफली, ये दोनों को पीस लिए हैं। अब इसमें हम ये डाल देते हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और उसके बाद ये जो हमने लहसुन और अदरक छीले थे तो ये अदरक लहसुन को देखिए हम दरदरा कूट लिए हैं, ये डाल दे रहे हैं। अच्छा, इसमें लहसुन और अदरक ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं पसंद करते हैं तो इस तरह की सब्जियों में ना डालें, मैं डाल रही हूँ मुझे टेस्टी लगता है। तो इन सबको खूब बढ़िया से पहले मिक्स कर दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हमने मसाला तैयार कर लिए हैं, तो अब हम इसे इसी में भरते हैं और भर के सब रखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए तेल भी गर्म हो गया है और हमने सारे मसाले जो है इसमें भर लिए हैं, तो इसको रखते हैं अब तेल में। तो ये सारे चिचिड़ा को हम इस तरह से रख दे रहे हैं, इसको इसमें गार्ड कहते हैं और इसको ढाई दिन की सब्जी भी कहते हैं। ये जो बरसात वाली सब्जियां होती हैं चिचिड़ा, नेनुआ, झिंगी, ये सब ढाई दिन की सब्जी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये दो दिन तीन दिन के बाद यानी ढाई तीन दिन के बाद जो है ये सब्जियां बहुत जल्दी कड़े हो जाते हैं। ये देखेंगे कि आज कितना बड़ा है, दूसरे दिन उससे बड़ा हो जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो इसीलिए इनको ढाई दिन की सब्जी कहा जाता है। सारे एक साथ क्यों डाल दी? देखो ऐसे ऐसे डाल के फिर इस कढ़ाई को टेढ़ा करेंगे। तो इसे देखिए बारी बारी से चारों तरफ ऐसे टेढ़ा कर करके सेकेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों एक साइड तो हम थोड़ा इसे पका लिए हैं, पलट के देखते हैं पका भी है कि नहीं। तो ये लीजिए देखिए बड़ा अच्छे से एक साइड पका है, तो देखिए ये मसाले इसके जो है निकल गए हैं, तो इस वजह से देखिए ये इस तरह का लग रहा है। तो इसको हम देखिए दूसरे साइड पलट देते हैं, लग रहा है कि थोड़ा सा आँच एक साइड ज़्यादा लग गया, थोड़ा सा हमें पलटने में इसको देर हो गया क्योंकि हमारी कैमरामैन जो है चली गई थी कहीं, तो उसी का इंतज़ार कर रहे थे और देखिए पलटने में हमको हो गया लेट। तो इसको दूसरे साइड हम जल्दी से पलटते हैं, वैसे ये जो है नरम हो गया है चिचड़ा हमारा। तो दोस्तों इसी में हमने प्याज और आलू भी डाल देते हैं जो हम काट के रखे थे, तो ये भी इसके साथ पक जाएगा, तो ये सब्जी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और कलौजी वाली जो आलू होती है बहुत टेस्टी आती है, तो ये हम आलू डाल के और इसको देखिए इसमें हमने ये जो इसके गूदे निकाले थे ये भी डाल देंगे। कहने का मतलब ये सब जो है पकाएंगे धीमी आंच पर इसको धीरे धीरे, और ये सब पक जाएगा तब बहुत बढ़िया लगेगा। और इसमें चिचड़े के पीस भी समझ में नहीं आएंगे, पक्का ये सब एक साथ पकेंगे। तो मैं देखिए इसको ऐसे
चला ले रही हूँ। अगर मैं इसमें प्याज पहले डाल देती तो प्याज जल जाता। ऐसे देखिए ये धीमी आँच पर धीरे धीरे खीरा मसाले के साथ आलू वगैरह सब पक जाएंगे। तो इसको हम ढक दे रहे हैं और धीमा आँच लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये सब्जी को हम काफ़ी पका लिए हैं और देखिए इसका आलू जो है नरम हो गया है। इसमें जो हम आलू डाले थे नरम हो गया है, प्याज भी सब भून गया है। लेकिन इसमें हमने जो है दोस्तों देखिए इसमें मिर्च नहीं डाले थे, मैं भूल गई थी। देखिए ये हम दो तीन मिर्च लिए हैं और ये डाल देते हैं साथ में, ये मिर्च इसी में पक जाएगा। मम्मी इसमें चिचड़ा कहाँ है? चिचड़ा देखो इसमें हम जिस तरह से ये सब्जी बनाना चाह रहे थे दरअसल वो सब्जी बना नहीं है। इसी का तो मज़ा है कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये चिचड़ा की सब्जी है, चिचड़ा की कलौजी है। जिनको चिचड़ा नहीं पसंद आएगा उसको भी आप परोस देंगे तो उसको पता नहीं चलने वाला है। दरअसल मैं जैसा ये सब्जी को बनाना चाह रही थी ये सब्जी उस हिसाब से बन नहीं पाया है, बहुत मेहनत हो गई है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। लेकिन ये जो सब्जी में जो हमने मसाले डाले हैं, जो भी चीज़ें डाले हैं, ये बहुत टेस्टी है। मैं इसके साथ देसी घी के पराठे बनाने वाली हूँ और फिर इसको खा के आपको बताएंगे। तो फाइनली दोस्तों देखिए ये हमारी जो सब्जी है चिचड़ा की सब्जी है ना लकी? नहीं ये हलवा है। चिचड़ा और आलू का हलवा। अरे तो ऐसा देखिए बन नहीं पाया लेकिन अच्छा मैं तुमको खिलाऊंगी ना, तुम खा के बताना ठीक है। अगर नहीं पसंद आए तो तुम ऑनलाइन तुम सीधे देखो बता देना सबसे, है ठीक है? ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैं जैसा बनाना चाह रही थी वैसा, क्योंकि मैं इसमें ना ये जो ये चिचड़ा है ना मैं चाहती थी इसमें इसके पीसेस जो है सेम रहे, लेकिन इसके पीसेस जो है एकदम से मुलायम होकर इसमें खो गए हैं। हमने इसमें आलू के पीसेस अगर नहीं डाले होते तो ये नहीं खोते, लेकिन इसका आलू जो होता है बहुत टेस्टी होता है। जब भी हम किसी चीज़ की कलौजी बनाते हैं तो उसमें अगर हम आलू डाल देते हैं तो बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने इसमें आलू डाल दिए थे, शायद इस वजह से चिचड़ा जो है देखिए इस तरह से नरम होके इसमें गायब हो गया है, जिसको कि लकी कह रही है हलवा है। तो चलिए इसको हम आज से उतारते हैं। हो सकता है दोस्तों कि ये पंजाब की सब्जी थी, यूपी में नहीं बन पाई, अब मैं बड़े फेर में हूँ, फिर से मैं एक बार और ट्राई करूँगी जैसा मैं बनाना चाह रही थी। तो अभी उतारते हैं और जल्दी जल्दी बनाते हैं देसी घी के पराठे। और लकी तुम खा के बताओगी और सही सही बताओगी, मेरे सब्सक्राइबर को झूठ नहीं बोलना है। नहीं हाँ, तो तुम्हें ये कैसा लग रहा है? ठीक है तो दोस्तों देखिए दुनिया में पहला ऐसा हलवा होगा जो आलू और चिड़ा का बना होगा, नमकीन हलवा। तुमको मारेंगे, पहले तुम खा के बताओ। इसको कहाँ उतारे, रुको ये सब हटाते हैं पहले, उतारो। तो ये लीजिए पराठे, जल्दी जल्दी हम सेक लेते हैं गाय के देसी घी से एकदम, कम से कम मेरे पराठे तो देखने लायक बन जाए। मुझे धुआं लग रहा है। इस साइड आ जाओ। चलो भाई एक पराठा तैयार, एक दूसरा पराठा गया। तो चलिए दोस्तों देखिए बहुत मेहनत हो गया है, तो अब हम निकालते हैं जो हमने सब्जी बनाई है लकी के लिए और पक्का लकी बताएंगी, अपने लिए भी निकालते हैं, देखते हैं कैसा बना है। शिवम तो गया है कोचिंग, अरे नहीं स्कूल गया है, शिवम तो गया है स्कूल और हम लोग ये रेसिपी तैयार किए हैं। तो ये है लकी के लिए खोया चिचड़ा। नहीं जी दिख तो रहा है, देखो चिचड़ा। और ये मैं अपने लिए थोड़ा सा निकाल ली हूँ, बाकी बच्चे आएंगे तो सब लोग साथ में खाएंगे। चलो ये हो गया लकी का पराठा, ये हो गया मेरा पराठा। तो चलिए भाई देखिए ये लकी खाकर बताएंगी कि सब्जी कैसी बनी है। अच्छी है। अच्छी है। सही सही बताना। एकदम सही सही। सोया चिड़ा की तरह नहीं लग रही है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा रुको मैं कैमरा बैक करती हूँ। तो भाई लकी को तो सब्जी पसंद आ रहा है। हाँ तो इसे लाइक किया जा सकता है एकदम एकदम। तो दोस्तों देखिए लकी को सब्जी पसंद आ रही है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगे हैं, हालांकि थोड़ी सी मिस्टेक, मैं इसे मिस्टेक नहीं समझती हूँ, ये कलौजी हमने बनाए थे, टेस्टी है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसे ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा।
और मैं जिस तरह से चाह रही थी, अभी खेत में चिचड़ा का पेड़ है और फरेगा, तो मैं उस तरह से बना के जरूर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं भी जो है खाती हूँ और फिर यहीं पे वीडियो को बंद करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर ब्लॉग वाले चैनल में। आप आइए तो वहाँ पे मैं आपको सितंबर माह में कौन कौन सी सब्जियाँ वगैरह सब लगाई जाती हैं, कहाँ से आपको खाद मिलेगा, कहाँ से बीज मिलेंगे, ये सारे डिटेल्स जानकारी आपको वहाँ मिलती है। तो ओके, रखते हैं, बाय। लकी